कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट्स 24। आज की खबरों में हम खास तौर से बात करेंगे सरसों सीड के बाजार के बारे में। आज हफ्ते की शुरुआत, हफ्ते का पहला दिन है, जानेंगे आज क्या कीमतें चल रही हैं सरसों सीड में, बाजारों में आज क्या कारोबार देखा जा रहा है, किस तरह का उतार चढ़ाव वो ट्रेंड मार्केट में बीते हफ्ते देखा गया और इस हफ्ते किस तरह का कारोबार होने का अनुमान लगाया जा सकता है, विस्तार से इस बारे में आपको बताएंगे। इसीलिए हमारे साथ आप आज खबरों में अंत तक जरूर बने रहिए। तो सरसों सीड के बाजार के बारे में बात करते हैं। सरसों में पिछले हफ्ते शुरुआत जो सोमवार को हुई वो 5900 रुपए जयपुर में हुई और शनिवार यानी वीकेंड आने तक 5725 रुपए तक बाजार बंद हुआ। पिछले सप्ताह के दौरान सरसों में मांग ना रहने से 175 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट के साथ कारोबार देखा गया। मार्केट के आउटलुक के बारे में अगर बात करते हैं तो खल और तेल की नरमी की वजह से 100 से लेकर 125 रुपए की गिरावट, खल की कमजोरी की वजह से सप्ताह 100 से लेकर 125 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट के साथ कारोबार मार्केट में दर्ज करा गया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी खाद्य तेल की गिरावट से घरेलू बाजारों में सोया तेल में भी 2 से 3 रुपए प्रति किलो की गिरावट दर्ज करी गई। तेल की मांग भी काफी ज्यादा कमजोर देखी जा रही है। मार्केट में अन्य तेलों में नरमी की वजह से सोया सरसों तेल में दबाव और नेफेड की लगातार बिकवाली जो जारी देखी जा रही है उसका असर भी मार्केट में देखा जा रहा है। और अब राजस्थान में बिल पास किया गया है और नेफेड जिसके अनुसार 5300 से लेकर 5524 के बीच बिकवाली कर सकता है। अब बात करते हैं कीमतों के बाजार के बारे में। तो कीमतों में इस हफ्ते की शुरुआत भी बाजारों में बहुत ज्यादा तेजी के साथ तो दर्ज नहीं करी गई है। मार्केट में अभी भी 5700 के पास ही आपको रेट देखने को मिल सकता है। जयपुर का रेट 5750 है, 25 रुपए तक बढ़े हैं। दिल्ली का रेट 5500 है, 50 रुपए तक की तेजी दर्ज करी गई है। यहाँ पर बरवाला का रेट 5300 है। हिसार कीमतें 5200 से लेकर 5300 के बीच चल रही है। गोयलकोटा का रेट मार्केट में आज आप 5650 रुपए देखकर जा सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करते हैं प्लांटों के बाजार के बारे में तो सलोनी शमशाबाद का रेट 6200, सलोनी की कीमतें 6200 रुपए देखी गई हैं। सलोनी अलवर का रेट 6175 रुपए मार्केट में आपको यहां से देखने को मिल सकता है। इसके अलावा और सलोनी कोटा का रेट 6125 रुपए आप बाजारों में यहां से देखकर चल सकते हैं। दिवाली के बाद सरसों में आने वाले समय के अगर बारे में बात करते हैं तो बुआई आने का अनुमान नजर जरूर आ रहा है। रफ्तार जिसके पहले बिकवाली बढ़ने से सरसों में तेजी के अनुमान लगभग ना के बराबर हो सकते हैं और नए फेड़ की बिकवाली के साथ साथ स्टॉकर्स और किसान भी बकाया स्टॉक की बिकवाली बढ़ा सकते हैं। मौजूदा स्टॉक बचे हुए महीनों के लिए पर्याप्त है। वही तेल और खल की कमजोर मांग की वजह से कृषि मांग में भी सुस्त सप्लाई देखी जा रही है और डिमांड के अनुसार बड़ी तेजी आने का अनुमान नजर नहीं आ रहा है। एक सीमित दायरे पे मार्केट में आपको कारोबार देखने को मिल सकता है। बाजारों में बहुत ज्यादा तेजी फिलहाल के लिए मार्केट में नजर नहीं आ सकती है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। अगर आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल होता है तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर लीजिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए। मिलते हैं आप अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।